जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का मेरे चैनल जोगन मीरा में फिर से स्वागत है। कैसे हो कन्हैया के लाडलो। तो ये आप देख रहे हैं कितने सुंदर हमारे प्रभु सजे हुए हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि समर में यानी गर्मी में ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है और जी क्या क्या सामान या फिर क्या क्या श्रृंगार का सामान उनके आसपास रखना है। तो अभी आप देख रहे हैं खंड पाठ। जी हाँ, ये हमने खंड पाठ पे ठाकुर जी को विराजमान करवाया हुआ है। प्योर सागवान का है और अभी आप देख रहे हैं हमारी किशोरी जी और ठाकुर जी बहुत सुंदर सजे हुए हैं। तो अपन सबसे पहले बाकी के सब देख लेते हैं और फिर अपन एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने बताया ये खंड पाठ पे ठाकुर जी विराजमान हैं। ठाकुर जी ने धोती कुर्ता धारण किया हुआ है। ये नौका है जिसपे किशोरी जी बैठी हुई हैं। ये मच्छरदानी बेड है जिसपे प्रभु बैठे हैं। ये गर्मी की पोशाक है और ये सारी गर्मियों की पोशाक है। शालिग्राम जी हैं। सारा ये आइटम जो भी मैं आपको दिखा रही हूँ, नौका, मच्छरदानी, बेड, सागवान बेड, ये सारा गर्मी का आइटम है और गर्मी में भी आप यूज़ कर सकते हैं और कुछ आइटम आप सर्दी में भी यूज़ कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं सारे खेल खिलौने जो हमने खंड पाठ के आगे रखे हैं और ये सुंदर सी जय श्री कृष्णा और राधे कृष्णा की नेम प्लेट है जो आप कहीं भी मंदिर में या फिर बाहर भी लगा सकते हैं। तो ये सारे ठाकुर जी सुंदर सुंदर सजे हुए हैं। हैवी पोशाक भी आ गई है, सागवान झूला भी आ चुका है और ये झूले पे सुंदर सी मटकी प्रभु की लटक रही है, माखन मटकी। तो आप ये देख सकते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी आता है झारी जी। ये है झारी जी जो अलग अलग कलर में है साटन के और इसमें ठाकुर जी के लिए जल भरा जाता है। ठंडे पानी ठंडा रहता है, जिस तरह से अपन मटकी रखते हैं वैसे ये प्रभु के आगे झारी जी रखी जाती है पूरे गर्मी, जिसे ठाकुर जी का पानी ठंडा रहे। इसके अलावा अपन के पास क्या है गर्मी में, इसके अलावा है चंदन, गोपी चंदन है, अष्टगंध है, सब अलग अलग टाइप के हैं लेकिन मेनली गोपी चंदन प्रभु के ज़्यादा यूज़ होता है और स्पेशली वृंदावन वाला ये जो होता है प्योर है। तो ये गोपी चंदन गर्मी में यूज़ होगा, पूरे गर्मी में ठाकुर जी को चंदन धराया जाएगा। तो कृष्ण भक्तों, अब गर्मी में यूज़ आती है नौका। जी हाँ, ठाकुर जी को नौका विहार करवाया जाता है। खासकर गंगा दशमी से शुरू हो जाती है नौका विहार और हमारे प्रभु बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। इसके साथ में फवारा भी है, फाउंटेन भी है, वो भी अवेलेबल हो जाएगा आपको और इस नौका में साइज़ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है हमारी किशोरी जी और इसमें दूसरा पैटर्न भी है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। और ये देखिए ड्रेस भी बहुत सुंदर लग रही है, पोशाक भी आ चुकी है हैवी। मैं आपको बता देती हूँ सारी पोशाकें भी आ गई और गर्मी की भी बहुत सारी पोशाक आई है। अभी आप नेक्स्ट गर्मी की पोशाक भी देखेंगे, चलिए अपन वो देख लेते हैं। आइए, तो कृष्ण भक्तों ये देखिए बहुत सारा कलेक्शन है गर्मी की पोशाक का भी और बहुत चीज़ें आई हैं। अब गर्मी में इत्र भी बहुत यूज़ होता है, गुलाब का इत्र हो गया, खस का इत्र हो गया, चमेली का इत्र हो गया, जो ठाकुर जी को गर्मी से बचाए। जी हाँ, जो ठंडक रहे। ठंडक में सबसे पहले मैंने आपको चंदन तो बता ही दिया और चंदन के इत्र के साथ साथ खस का इत्र और ये सब यूज़ होता है। झारी जी अपन ने देख ही ली जो अपन के यूज़ होगी। तो जो भी चीज़ें जो ठंडक रहे और गर्मी कम दे वो वाले ही लेंगे। जैसे ये बहुत लाइट ड्रेस है, नाइट ड्रेस है ठाकुर जी की, आप नाइट में पहनाइए। इसमें कलर्स भी हैं और कॉटन की ड्रेसेस हैं। इनमें अच्छी बात ये है कि पीछे कैनकेन नहीं है तो धो भी सकते हैं, ख़राब नहीं होगा और कैनकेन का वाइट भी नहीं निकलेगा। पैंटीज़ भी आ गई हैं ठाकुर जी की, नैपी हैं और ये सुंदर सी पोशाक आई है और गर्मी की बहुत सारी। साथ में आई है वाइट और ये गुजराती का धोती कुर्ता सेट जो कि बहुत सुंदर है और ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाइट ड्रेस है और ये धोती सेट है। तो बहुत सारा कलेक्शन है। अभी ये हैवी कलेक्शन है जिसमें ठाकुर जी ने कमल वाला कलेक्शन धारण कर रखा है। ये कमल वाली पोशाक है और ये एकदम सुंदर सी मोती की पोशाक है। तो सारे में आए हैं, झूला भी आ चुके हैं जैसा कि मैंने बताया और माखन मटकी। जी हाँ, जन्माष्टमी की तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी है और आपको पता ही है 10 से 15 दिन में सारा आइटम निकल जाता है, स्टॉक रहता ही नहीं है। तो आप वेट ना करिएगा कि जन्माष्टमी आएगी तब लेंगे, तब और कुछ नया कलेक्शन आ जाएगा, लेकिन जो अभी कलेक्शन दिख रहा है उसमें से मुश्किल ही कुछ बचेगा। ये माखन मटकी है स्पेशल, छोटी सी जो जिनके छोटे लाला हों और बहुत क्यूट सी है। तो नेम प्लेट्स हैं, सब है। ये धोती कुर्ता सेट धारण किया है ठाकुर जी ने और किशोरी जी ने वाइट पोशाक धारण की है। और अभी हम शालिग्राम जी देख लेते हैं।
शालिग्राम जी की सेवा मैंने आपको बता ही दी है कि गर्मी सर्दी और पूरे साल भर कभी भी ठाकुर जी की सेवा, जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा होती है वैसे ही शालिग्राम जी की भी होती है। तो उनके आसन भी रीस्टॉक हो गए हैं, जो ये आसन ख़त्म हो गए थे। स्पेशली राधे राधे की नेम प्लेट आई है और इसमें राधे कृष्णा की भी आई है। आप मंदिर में कहीं भी आसन पे लगा सकते हैं और आप बाहर किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं दरवाज़ों पे। बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे ये। और ये अब खंड पाठ जो है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जिस पे खिलौने सजे हुए हैं, आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। आपको 5 से 6 दिन पहले बुक करना पड़ेगा, ऑर्डर करना पड़ेगा, और 5 to 6 days में बन जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग हम ही करते हैं। तो आपने देखा पूरा कलेक्शन, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान हमारे। खंड पाठ, ड्रेसेस, ठाकुर जी की हैवी ड्रेसेस, समर ड्रेसेस, आपको पता ही क्या करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है जोगन मीरा शॉपिंग मॉल का। डेली अपडेट्स के लिए आपको इंस्टाग्राम पे जोगन मीरा फॉलो करना पड़ेगा, जिस पे आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी, जो भी नया नया कलेक्शन आ रहा है। आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, ब्रॉडकास्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, आपको डेली के अपडेट भी मिलते रहेंगे, रोज़ नया कलेक्शन आता है। शेयर ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।